नमस्कार, टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बंगाल की खाड़ी से ओछा चक्रवात दाना ओडिशा के तट से टकरा गया है। इस समय ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश हो रही है, तेज हवाएं भी चल रही है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दाना का लैंडफॉल शुक्रवार सुबह तक जारी रहने की संभावना है। IMD ने बताया कि तूफान पिछले 6 घंटों में 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा है और फिर केंद्रपाड़ा जिले के भीतर कनिका और भद्रक जिले के धामरा के बीच पहुंचा। इस दौरान हवा की गति करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। दाना के दस्तक देने के बाद से ओडिशा के कई इलाकों में तेज हवाओं और भारी बारिश का सिलसिला जारी है। इस कारण कई जिलों में पेड़ उखड़ गए हैं, वहीं रास्ते भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पश्चिम बंगाल में भी दाना का असर देखने को मिल रहा है। यहाँ तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। वहीं शुक्रवार भोर में जब ओडिशा के तट से चक्रवात दाना टकराया तो इसकी रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे थी। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान दाना 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर जा रहा है। आज यानी शुक्रवार सुबह करीब 5:30 बजे ओडिशा के तटीय उत्तर क्षेत्र में लैंडफॉल हुआ। भद्रक जिले के धामरा से लगभग 20 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम और हवाली खाटी नेचर कैंप से करीब 40 किलोमीटर उत्तर उत्तर पश्चिम में केंद्रित था। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात दाना से भूस्खलन की प्रक्रिया जारी है। चक्रवात का पिछला हिस्सा जमीन में प्रवेश कर रहा है। अगले 1-2 घंटों तक भूस्खलन की प्रक्रिया जारी रहेगी। यह उत्तर ओडिशा में उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। आज पूर्वाहा तक धीरे धीरे कमजोर होकर चक्रवात तूफान में बदल जाएगा। वहीं इस समय ऊंची ऊंची लहरें उठ रही है, इसी के चलते तटीय इलाकों में 2-3 किलोमीटर अंदर तक पानी आ सकता है। बता दें अगले 24 घंटे अतिरिक्त सुरक्षा बरतने की सलाह दी गई है। चक्रवात दाना के कारण पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में भारी बारिश हो रही है। तटीय इलाकों में भी स्थिति खराब हो गई है। तेज हवाओं के चलने से कई जगहों पर पेड़ उखड़ कर रास्तों पर गिर गए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार देर रात चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा में राज्य सरकार के नियंत्रण कक्ष का दौरा किया। वह पूरी रात नियंत्रण कक्ष में ही रही और हालात की जानकारी लेती रही। बंगाल में अब तक 2,11,234 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।